हाय एवरीवन दिस इज़ विरोने आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स 2021 में जो जो मिले उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील तो क्या दो वीकेंड में का ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा देखिए एज अ पार्ट ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड टू की हम बात कर रहे हैं वेस्ट बेस्ड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आपका वी टी आर जिसको बोला जाता है शॉर्ट में उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला है किस चीज़ के लिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ कैटेगरी में वर्ल्ड राइनो डे के ओकेजन पे तो ये हम डिटेल में जानेंगे अब इंडिया बायोडावर्सिटी अवार्ड 2021 इसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व को इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है आपका बिहार में आ, बिहार के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण में ईस्टर्न मोस्ट लिमिट्स हिमालयन तराई फॉरेस्ट की जो ये वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है ये बनाता है और ये कहाँ सिचुएटेड है गैंगटिक प्लेन्स बायोजोग्राफिक जोन के हिसाब से अगर आप देश के देखेंगे तो गैंगटिक प्लेन्स में है और यहाँ पर तराई ट्रैक्स भबर के कॉम्बिनेशन के फॉरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व का फॉरेस्ट एरिया नाइन हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स है दो डिविजन्स हैं इसकी आठ फॉरेस्ट रेंजेज हैं एनिमल्स टाइगर हैं एक्सक्लूडिंग नाइन कब्स ट्वेंटी नाइन अगर टाइगर्स की बात करें उनके कब्स को छोड़ के तो ट्वेंटी नाइन टाइगर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं लेपथ सिक्सटी फाइव है और एक राइनो है यहाँ पे इसको इस्टाब्लिश किया गया था नाइनटीन नाइनटी फोर में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्सेज भी आपको दिखेंगी और थारूस् स्कीड्यूल ट्राइब ये डोमिनेंट क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखते हैं नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं तो यहाँ पे थारू करके एक स्केड्यूल ट्राइब यहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटी है इस लैंडस्केप में वाल्मीकि नेशनल पार्क में अब इंडिया बायोडिवर्सिटी अवार्ड्स जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो ये याद रखिए कि किन का ज्वाइंट इनिशियेटिव है तीन है यहाँ पे इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट आ, आ गई आपकी एक दूसरा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये मतलब पूरा एक ही नाम है आपका मिनिस्ट्री दूसरा आपका आ गया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नंबर टू नंबर थ्री द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी तो ये तीन इन्वॉल्व हैं इसमें इनका जॉइंट इनिशिएटिव है इस अवार्ड में दो लाख कैश प्राइज जो है साइटेशन जो है वो दिया जाता है पहला इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड ज्वाइंटली अनाउंसड बाई एम ओ एफ सी सी एन यू एन डी पी इन दो हज़ार बारह ओके okay, यहाँ पे क्या लिखा है कि पहली बार जब बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स दिए गए तब ये जॉइंटली इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने देने शुरू किए थे अनाउंस किए थे अब इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया हो गया आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है एन बी ए वो इसमें एक्स्ट्रा हो गया थर्ड लेवल पे वरना शुरू में ये दो ने अनाउंस किया था हाई लेवल सेगमेंट मीटिंग हुई थी इलेवेंथ मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू तो द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी जिसको आप बोलते हैं एक इन्वायमेंट के स्टेटिक लेक्चर्स हैं वहाँ पर ये सब आ, कन्वेंशन मैंने कवर की हैं वहाँ पर उस दौरान ये चीज़ बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे टू में थीम इसका क्या था वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन कि हम सोल्यूशन का पार्ट हैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे सल्यूशन क्रिएट करेंगे नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्लाइमेट के लिए क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं फूड वाटर सिक्योरिटी सस्टेनेबल लाइवलीहुड यानी रो कुछ सस्टेनेबल रोजगार नहीं मिल रहा तो उसके लिए क्या सल्यूशन्स लोग निकाल रहे हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है ट्वेंटी सेकेंड मे को हर साल ताकि लोगों में हम अवेयरनेस बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़ को लेकर अवेयरनेस इंक्रीज़ कर सकें अब अवार्ड की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो कंजर्वेशन में अवार्ड दिया जाता है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स में रेप्लिकबल मेकानिज़म फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग बेस्ट बायोडावर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी फिर वाइल्ड स्पीशीज़ कोई मेंटेन कर रहा है डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ के लिए या तो किसी इंडिविजुअल को अवार्ड दिया जा सकता है या फिर किसी इंस्टीट्यूट को जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है तो इंस्टीट्यूशनल अवार्ड में आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से अवार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ़ बायोलॉजिकल रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सस्टेनेबल यूज़ बायोलॉजिकल रिसोर्स के लिए किसको अवार्ड मिला है क्रापाविस कृषि आवाम परिस्थिति विकास संस्थान इनको अवार्ड मिला है अंडर इंस्टीट्यूशन कैटेगरी सस्टेनेबल यूज़ ऑफ़ बायोलॉजिकल रिसोर्स क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कम्यूनिटीज़ को सपोर्ट किया है पानी को रिस्टोर करने में हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करने में रिचार्ज वेल्स बनाने में वाटर टेबल्स को इंक्रीज़ करने में एंड हाफ अ मिलियन ट्रीज़ लोकल वेराइटीज़ के इन्होंने प्लांट करने में भी कम्युनिटीज़ की मदद की है तो देखिए दे आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन तो इसलिए ये अवार्ड इनको दिया है इनकी वेबसाइट भी इस ऑर्गेनाइजेशन की आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के लिए तो ये कम्युनिटीज़ के लिए उनकी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं नेक्स्ट खनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड त्रागोपन सेंचुरी के एन सी टी एस नागालैंड में है इसको भी अवार्ड मिला है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स कैटेगरी में इसको इस्टैब्लिश ये जो सेंचुरी है इस्टेब्लिश हुई थी इलेवंथ दिसंबर नाइनटीन नाइन्टी एट इस सेंचुरी को अवार्ड दिया था Uh, क्यों दिया गया है क्योंकि ये बायोडावर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है खनोमा एरिया में जहाँ पे बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं एंडेमिक यानी वो सिर्फ उसी एरिया में कुछ प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं तो यहाँ पे इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे नागालैंड है नागालैंड को आप यहाँ पर देखेंगे तो खनोमा आपको नज़र आएगा अब सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स में इंडिविजुअल अवार्ड्स किसको मिले हैं uh, रामनाथपुरम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं ये एक एस सतीश इनको एक इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिमार्केबल काम किया है काडू कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म लोकेटेड थर्टी फाइव किलोमीटर्स रामनाथपुरम रामानाथपुरम हेडक्वार्टर्स यानी इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है और उसके साथ साथ इन्होंने पाँच साल पोचिंग को ख़त्म करने के लिए और ऑलिव रिडले टर्टल आपने सुना होगा उसको बचाने के लिए उसकी पोचिंग उसको सेव करने के लिए काम किया है उसके साथ प्लास्टिक वेस्ट क्लीन अप करने के लिए काम किया है और गल्फ़ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में जो है उसको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी काम किया है तो आप देखिए इन्वायरमेंट बायोडावर्सिटी को सेव करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया इसलिए इनके काम को रिकोगनाइज़ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इनको दिया गया है देखिए प्लास्टिक का यहाँ पे नाम आया प्लास्टिक वेस्ट क्लीनअप तो अभी रिसेंटली इंडिया ने सितंबर थर्ड को प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है और एशिया में इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई है इस तरह का प्लास्टिक पैक्ट लाने के लिए तो उस पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा स्टडी आई क्यू पे मेरा तो ज़रूर देखिएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट है नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का अवार्ड किसको मिला है ये मिला है बीएमसी बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है शेरगांव अरुणाचल प्रदेश की तो इस कैटेगरी में इसको ये अवार्ड दिया गया है अब बी कब इस्टेब्लिश हुई थी मार्च फिफ्टीन टू में टेक्निकल गाइडेंस अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने इसको दिया था उसके बाद बी एम सी कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन एक्टिविटी प्लांटेशन प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है शेरगांव और उसके आसपास के एरियाज़ में 2009 में इस कमेटी ने एक रजिस्टर प्रिपेयर किया था जिसको कहा जाता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीवीआर और इसमें 153 प्लांट्स एनिमल्स के और 122 फौना के नाम लिखे थे जो शेयरगांव में अवेलेबल हैं तो इनके चेयरमैन पेम नोरबू थुनगोन जी हैं उन्होंने अवार्ड एनसेस्टर्स जो वहाँ के पुराने बुजुर्ग हैं उनको ये अवार्ड डेडिकेट किया है और जितने भी विलेजेज शेयरगाँव के हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट को अभी तक प्रिजर्व करके रखा उसको एक्सप्लॉयट नहीं किया नेक्स्ट अवार्ड कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ जिन स्पीशीज़ को हम डोमेस्टिकेट करते हैं उनको कैसे कंजर्व किया जाए इंडिविजुअल लेवल पे अवार्ड शाजी एनएम को दिया है जिनको ट्यूबर मैन ऑफ केरला भी कहा जाता है ये अवार्ड इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड टू इनको मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ के लिए इन्होंने 200 ट्यूबर क्रॉप्स जो हैं आपके जैसे याम हो गया लेसर याम हो गया एलिफेंट फूट याम कसावा कोलोकैशिया कसावा पे रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया था कि ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है बायो इथेनोल कैटेगरी में तो ज़रूर वो वीडियो भी आप कवर की देखिएगा देखिए ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं इन्वायरमेंट के अब एक का एग्जांपल जोड़ के कहीं और दे सकते हैं राइट यहाँ पे आप जैसे कसावा मेंशन हो ही गया है चाइनीज पोटैटो तो ये सब डोमेस्टिकेटेड ट्यूबर्स इन्होंने इनको कंजर्व किया है इनको पहले भी प्लांट जिनोम सेवियर अवार्ड टू में मिला था और न्यू डेली में ये अवार्ड इनको मिला था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज इंडिविजुअल तो देखिए फॉरेस्ट ऑफिसर हैं शिव कुमार उनको इंडियन बायोडावर्सिटी वर्च 2021 मिला है अंडर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ इंडिविजुअल स्नो लेपर्ड स्पेशली लाहौल और स्पिति में उसके कंजर्वेशन के लिए अपने कैमरा में इन्होंने बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर किए हैं स्नो लेपर्ड के लाहौल वैली में और ये फॉरेस्ट गार्ड की तौर पे पोस्टेड हैं फॉरेस्ट डिवीजन लाहौल में लास्ट 11 साल से तो इन्होंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काफ़ी काम किया है स्नो लेपर्ड के केस में बाकी विनर्स जैसे कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज इंस्टीट्यूट में अमराबाद पोडा लक्ष्मी गोबू संगम तेलागना को अवार्ड दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज इंस्टीट्यूट में चौंगा चौंगा फाउंडेशन मनीपुर को अवार्ड दिया है रेप्लिकबल मैकेनिज्म फॉर एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग ए बी एस ट्विचिन ग्राम बारी बी एम सी त्रिपुरा एंड वालग्रो बायोसाइंस लिमिटेड तेलंगाना इनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा गया है अब आपके लिए यह सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्योंकि ये सारे बहुत ही फैक्चुअल है बायोडाइवर्सिटी अवॉर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन मिलते हैं पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए किस किस को किस लेवल पर मिलते हैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट लेवल पर मिलते हैं अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या जो स्टेट मणिपुर की बात आ रही है अरुणाचल की बात आ रही है तेलंगाना की बात आ रही है बिहार की बात आ रही है जहाँ से लोगों को इंस्टीट्यूट को अवार्ड मिला है तो अपनी अपनी स्टेट का आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए थोड़ा फैक्चुअल है याद भी रख सकते हैं अभी स्टेटमेंट देखिए रेजोल्यूशन टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वाज अडॉप्टेड इन 1992 एंड द डे वाज इनिशियली सेलिब्रेटेड ऑन टिल 2000 द इंडियन बोडाइवर्सिटी वॉर्ज आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी दो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप बता सकते हैं कि कौन सी सही है कमेंट में बताइए या टेलीग्राम में पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा बाकी हमारे कोर्सेज ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच